नोएडा में दरोगा का हाई वोल्टेज ड्रामा, पत्नी को पीटा, गार्ड पर तानी सर्विस रिवाल्वर, वीडियो वायरल, दरोगा निलंबित। ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित पंचशील हाइनिस सोसाइटी में देर रात नशे में धुत एक दरोगा ने जमकर हंगामा किया। पहले तो उसने पत्नी के साथ मारपीट की, बाद में गार्ड को भी पीटा। गार्ड को छुड़ाने के लिए लोग आए तो दरोगा ने हवा में रिवाल्वर लहरा दी और लोगों में दहशत फैलाने की कोशिश की। इसी दौरान लोगों ने पुलिस को खबर कर दी। ग्रेटर नोएडा में दरोगा के इस कारनामे की लोगों ने मोबाइल फ़ोन से वीडियो बना ली, बाद में वीडियो को पुलिस को दिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। घटना का वीडियो सामने आने के बाद इस मामले में जांच बैठा दी गई। प्रारंभिक जांच में दोषी पाए जाने पर पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने दरोगा को निलंबित कर दिया। दरोगा के खिलाफ अन्य विभागीय कार्रवाई भी की जा रही है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो प्रचारित हो रहा है जिसमें एक पुलिसकर्मी के द्वारा कुछ गार्डों के साथ तबलता की जा रही है। इसमें जो जानकारी निकल कर के आ रही है, ये सब इंस्पेक्टर हैं जो परथला चौकी में तैनात हैं। ये अपनी पत्नी के साथ महागुण माईगोट सोसाइटी है, वहाँ जा रहे थे। रात्रि में पारिवारिक विवाद के चलते इनके द्वारा पत्नी से भी मारपीट की गई और उसके बाद गार्डों के साथ भी अभद्रता की गई। इस प्रकरण को जो है पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा काफ़ी गंभीरता से लिया गया और तत्काल प्रभाव से इनको निलंबित कर दिया गया है और विभागीय कार्यवाही संस्थित कर दी गई है। साथ ही साथ अन्य विधिक कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। स्पेशल डेस्क TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।